स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। पड़ोसी देश में हो रहे क्राइसिस पर आपका रुख आपके रीजनल स्टेटस को बयां करता है। म्यांमार फरवरी 2021, मिलिट्री कू होता है, मिलिट्री अपनी सत्ता स्थापित करती है, उससे पहले हुए सिविल इलेक्शंस को दरकिनार कर देती है। इंडिया स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी का इस्तेमाल करता है, यानी क्लियरली मिलिट्री गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं लेकिन शांति के समर्थन में, इंडिया म्यांमार के क्लोज लिंक्स के समर्थन में। इसके बाद जकार्ता इंडोनेशिया में आसियान समिट होती है। आसियान देश मांग करते हैं कि इंडिया आपको तो स्ट्रांग स्टैंड लेना चाहिए। इस समिट के आउटकम पर 5 पॉइंट कंसेंसस बनता है, यानी कि 5 पॉइंट जिस पर सहमति बनती है कि हाँ, इस आधार पर अब अपना रुख डिसाइड करेंगे टुवर्ड्स म्यांमार। इंडिया भी अपनी अप्रोच को फाइन ट्यून करता है। रिसेंटली ये न्यूज सर्कुलेट होती है, नो इनवाइट टू म्यांमार फॉर आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। इंडिया और आसियान के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है, लेकिन इसमें आर्मी के वो रिप्रेजेंटेटिव जो फॉरेन पोर्टफोलियो संभाल रहे म्यांमार में, उनको इनवाइट ना किया जाना। कहा जा रहा है कहीं यूएस प्रेशर में तो नहीं हो रहा, कहा जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब म्यांमार ज्यादा करीब चला जाएगा चाइना के और इससे इंडिया को स्ट्रेटेजिक कुछ नुकसान होंगे। हमें डिटेल में जानना होगा। बैकग्राउंड से शुरुआत करेंगे, यानी कि आसियान की बात करेंगे, उसके बाद ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ म्यांमार। आपके मन में सवाल आना चाहिए कि म्यांमार के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या फ्लॉ है जिसकी वजह से तीसरी बार वहां पर मिलिट्री कू हो रहा है, और जो भी रेस्पॉन्सेज हैं टुवर्ड्स म्यांमार, क्या उसमें कुछ पैराडॉक्सेज हैं, कुछ विरोधाभास हैं, डिटेल में हमें जानना होगा। शुरुआत करने से पहले आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन। फाउंडेशन कोर्स फॉर प्री प्लस मीन्स लाइव एट स्टडी आईक्यू 20 जून से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। इसमें प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स प्रोग्राम, 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिल रही है। 1-to-1 के साथ ग्रुप मेंटरशिप भी है, यानी कि क्लास के बियॉन्ड जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे एकेडमिक है नॉन एकेडमिक है, आपके साथ मेंटोर अटैच है। आंसर लिख रहे हैं, मेंटोर को दे रहे हैं, इवेल्युएट करा रहे हैं। कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटोर की कि वो आपको रिप्लाई करेंगे, आपको पूरी जर्नी में सपोर्ट करेंगे। उसकी अकाउंटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, इस प्रोसेस की अकाउंटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ग्रुप मेंटोर्स हैं। ग्रुप मेंटरशिप को गाइड करेंगे मिस्टर अनिल स्वरूप, फॉर्मर कोल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, नाउ ही इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस होल प्रोग्राम। तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अभी आपको फीस 25,000 दिख रही है। त्यागी लाइव आप कोड यूज कर सकते हैं, फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए 18,500 में ये कोर्स अवेल हो जाएगा। नाउ शशांक त्यागी फॉर यू, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर, कोई भी आपका सवाल हो वीडियो से जुड़े अपडेट्स एमसीक्यूज के लिए। नाउ आसियान की बात करते हैं। देखिए, ये है आसियान नेशंस, ठीक है। दो चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, एक तो मैप, ठीक है। मैप पे मल्टीपल टाइम्स आपको गो थ्रू करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी एक लोकेशन वाइज क्वेश्चन पूछ लेती है, ठीक है, कौन कौन नॉर्थ में है, कौन साउथ में, इस तरीके से। दूसरा, आसियान के मेंबर्स कौन कौन है, कौन मेंबर नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो यहां पर आप ये कोड यूज कर सकते हैं, टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, एम से मलेशिया, बी से ब्रुनेई, और जो दूसरा बी है उससे बर्मा या फिर म्यांमार, और एस से आपका हो गया सिंगापुर। तो कहने का मतलब है, ये अगर आप याद रख लेंगे तो आपका वो वाला क्वेश्चन तो आपका रुकेगा नहीं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 10 मेंबर्स हैं इसमें। आधार पर बैंकॉक डिक्लेरेशन होता है थाईलैंड, और जकार्ता में आसियान का सेक्रेटरिएट बनता है। फाउंडिंग मेंबर्स आईएमपीएसटी आप याद कर सकते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। मोटो क्या है, देखिए, वन वीआईसी, यानी कि विजन, आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी। अगर वन कम्युनिटी होगी तो जाहिर सी बात है, ऐसे एक तरीके से अगर मेरे पास कोई रिसोर्स डेफिशिएंट है, मुझे पता है कि अच्छा यहाँ पर ये रिसोर्स लाओस के पास है, तो मार्केट, रिसोर्सेज, इंटरलिंकेज हो जाएगा। कुछ मेरे पास कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मुझे पता है कि उनके पास सॉल्यूशन है, तो ऐसे में एक दूसरे की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि उनको लगेगा कि रीजनल स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर देयर स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस एज वेल। इंडिया सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर की तरह उसने स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद अब हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, यानी कि हम मेंबर नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशियन की एक ग्रुपिंग है। ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव का देखिए कोड आप याद कर सकते हैं, पीस, पैसा, प्रोग्रेस एंड पैगाम। अब एग्जाम में ऐसे ही मत लिख देना, ठीक है, ये याद करने का तरीका है। पीस, शांति तो आप पता ही है, पैसा को लिखना इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोग्रेस यानी कि सोशल कल्चरल प्रोग्रेस, और पैगाम कि हम एक कम्युनिटी हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर हमारी वॉइस एक होगी, ठीक है। तो ये 4 P's आप जो है याद कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, क्योंकि आसियान चर्चा में है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का कौन से आसियान देश के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड है, ऑप्शंस आपको दिया जाए, म्यांमार,
इंडोनेशिया, सिंगापुर या ब्रुनेई, क्या कहेंगे आप? शायद आप कहेंगे सर एरिया में तो हमें लग रहा है इंडोनेशिया, राइट? सिंगापुर तो साइज शायद छोटा है, ठीक है। अब जरा ये डेटा देखिए, यहां पर देखिए सिंगापुर फर्स्ट रैंक पे है। टोटल जो ट्रेड हुआ है 2021 से फरवरी 2022 तक 26.822, ये बेसिकली बिलियन यूएस डॉलर में है। सेकंड नंबर पर देखिए कौन है, सेकंड नंबर पर इंडोनेशिया है, थर्ड नंबर पर मलेशिया है। तो याद रखिएगा पहले सिंगापुर है, देन इंडोनेशिया है, देन मलेशिया है, और इन तीनों के साथ हमारा जो ट्रेड है वो डेफिसिट में है कि सरप्लस में है, यानी कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं? तो आंसर इज इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने यहां पर सिग्निफाई किया, देखिए डेफिसिट डेफिसिट डेफिसिट। देखिए प्लस किसके साथ है हमारा, ये देखिए फिलीपींस के साथ, ठीक है। माइनर सा बेसिकली हमारा प्लस पॉइंट है वहां पर, सरप्लस है, लेकिन फिलीपींस के साथ पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा अभी कुछ टाइम पहले फिलीपींस चर्चा में भी था, हम ब्रह्मोस मिसाइल का डील कर रहे हैं फिलीपींस के साथ, क्लियर है बात? ये ध्यान रखिएगा, बेसिक फैक्ट है, क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। नाउ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ म्यांमार। एक समय ऐसा था कि म्यांमार एक्चुअली ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आता था, यानी कि एक ही ब्रिटिश हुकूमत मेनलैंड इंडिया जो उनके अंडर था और साथ में म्यांमार को कंट्रोल में रखती थी। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए, फिर तो सर जब हम आजाद हुए तो फिर जो म्यांमार है वो भी इंडिया का ही पार्ट होना चाहिए था। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि देखिए 1937 में ब्रिटिश ने अपना जो रूल था उसको डिवाइड कर दिया, यानी कि बर्मा में भी ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक सेपरेट अरेंजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश कर दिया और जो ब्रिटिश इंडिया उसको सेपरेट कर दिया। तो इसी वजह से जब फाइनल आउटकम हुआ, यानी कि जब बर्मा को आज़ादी मिली 1948 में, तो उन्होंने यूनियन ऑफ बर्मा के नाम से अलग देश बनाया। 1962 में मिलिट्री का रूल आया सिविलियन, क्योंकि अब आप कहेंगे कि सर 1962 में क्यों आया? देखिए वहाँ पर एथनिक वॉयलेंस बहुत प्रोमिनेंट थी कई एरियाज में, तो यानी कि लॉ एंड ऑर्डर इशू था। अब लॉ एंड ऑर्डर इशू है तो सरकार को लगा कि ऐसे में एक कमेटी बनी सिक्योरिटी के लिए, तो उसने कहा कि हमें यहाँ पर मार्शल लॉ लगाना चाहिए क्योंकि मिलिट्री ही यहाँ पर स्टेबिलिटी ला सकती है। लेकिन एक बार मिलिट्री ने स्टेबिलिटी लाया तो फिर ये नीड बन गई म्यांमार की कुछ काफ़ी टाइम तक कि नहीं मिलिट्री की जरूरत पड़ेगी तभी स्टेबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर आएगा। 1988 में फिर मिलिट्री का रूल आया। 2021 में जो रिसेंटली हम जिसकी हम बात कर रहे थे वो थर्ड टाइम है कि मिलिट्री का रूल यहाँ पर आया है। इलेक्टेड जो आंग सान सू की, म्यांमार के डेमोक्रेटिक मूवमेंट का फेस रही हैं आंग सान सू की, उनको 20 सालों में 16 साल तो वो हाउस अरेस्ट में रही हैं बाय दिस मिलिट्री गवर्नमेंट। यहाँ पर दो पार्टीज प्रोमिनेंट है, उनका नाम आप ध्यान रखिएगा, एक है एनडीएल, ये देखिए नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, तो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को लीड करती हैं आंग सान सू की, और यहाँ पर है यूएसडीपी, देखिए यूनियन सोलिडारिटी डेवलपमेंट पार्टी, ये है मिलिट्री की एक तरीके से प्रॉक्सी पार्टी है, राइट? ध्यान रखिएगा ये आंग सान सू की है, मिलिट्री है। 2016 में एनएलडी ने जीत हासिल करी, लेकिन आंग सान सू की वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं बन सकती म्यांमार की, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन बार करता है कि अगर किसी सिटीजन ने किसी विदेशी से शादी करी तो ऐसे में आप यहां पर हेड नहीं बन सकते, लीड नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशनली। लेकिन वो डिफैक्टो रूलर की तरह म्यांमार को चला रही थी। डिफैक्टो का मतलब है कि हम पीछे से पावर एक तरीके से हमारे ही हाथ में, जो भी प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे हिसाब से चलेगा। 2017 में मिलिट्री ने क्रैकडाउन स्टार्ट किया अगेंस्ट रोहिंग्या मुस्लिम्स इन रखाइन स्टेट। इसका एक कारण यह था कि वहां पर उनका कहना था कि यहां पर जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, बुद्धिस्ट एथनिसिटी है, उसको ज्यादा प्रोमिनेंस मिलती है, हमें तो बेसिकली सिविलियन एज अ सिविलियन भी स्टेटस नहीं मिलता, यानी कि डिस्पैरिटी ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स द रखाइन स्टेट मुस्लिम्स रोहिंग्या मुस्लिम्स। अब जब मिलिट्री ने क्रैकडाउन किया तो मिलिट्री का कहना था कि इन्होंने एक आर्मी बनाई हुई है, टेररिस्ट ग्रुप बनाया हुआ अरकन आर्मी, तो हम उसके खिलाफ कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए। काफ़ी लोग मारे गए, काफ़ी लोग रिफ्यूजी की तरह बांग्लादेश इंडिया कई जगह पर चले गए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। 2019 में म्यांमार को एक्यूज़ किया गया कि भाई आपने तो ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन किया है। तो ऐसे में आंग सान सू की इस मिलिट्री एक्शन के सपोर्ट में आई, यानी कि उन्होंने डिफेंड किया कि ये हमारे देश का इंटरनल मैटर है, अगर लॉ एंड ऑर्डर इशू होगा तो हमारी आर्मी इस्तेमाल करेगी। तो इंटरनेशनल लेवल पर लगा कि ये तो ऐसा लग रहा है कि अब म्यांमार की जो आर्मी है और आंग सान सू की है वो क्लोज है, लेकिन देखिए वो ऐसा नहीं था, उसका पॉलिटिकल रीजन था। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश पर क्वेश्चन उठ रहा हो तो एक राजनीतिज्ञ को देश के लिए स्टैंड लेना पड़ता। फरवरी 2021 में फिर एनएलडी को जब जीत मिली तो उसके बाद भी मिलिट्री ने उसको साइडलाइन कर दिया, और लेकिन इस बार मिलिट्री ने कहा इस बार हम शांति से नहीं बैठेंगे, इस बार हमें ही अपने हाथ में चीज़ों को लेना पड़ेगा। फ्लॉज क्या है इनके कॉन्स्टिट्यूशन में, देखिए जब मिलिट्री रूल चल रहा था तो उस टाइम यूएस ने प्रेशर बनाया कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पर डेमोक्रेसी आनी चाहिए, नहीं तो मिलिट्री के रूल के अंतर्गत ह्यूमन राइट वायोलेशंस होते हैं, जनता को अधिकार नहीं होता सरकार को क्वेश्चन करने का। तो फाइनली मिलिट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 2008 में, लेकिन क्योंकि वो हम लाएंगे डेमोक्रेसी कर रहे थे, बिग बॉस वॉच कर रहा था यूएस, तो इस बार उन्होंने 25% सीट तो अपने पास रखी दोनों हाउस में। आप कहेंगे मिलिट्री
जी हाँ, क्योंकि मिलिट्री अपनी एक प्रॉक्सी पार्टी यूएसडीपी के थ्रू वहां पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिवनेस रखती है। तो मुझे बताइए, अब अगर भविष्य में कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें बदलाव करना हुआ और 25% सीट ऑलरेडी मिलिट्री के पास है, आपको ये लगता कि वो बदलाव करना मुश्किल होगा? बिल्कुल मुश्किल होगा। तो ये एक फ्लॉ है। इस वजह से कहा जाता है कि मिलिट्री को कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिकली स्टेटस ऐसा नहीं देना चाहिए कि वो पार्लियामेंट में मेजर से रख सके। देर शुड बी अ क्लैरिटी इन दीज डेमोक्रेसीज की जो सिविलियन गवर्नमेंट है, जनता द्वारा चुनी सरकार है, वो आर्मी से ऊपर हो, राइट? क्योंकि आर्मी का इस्तेमाल है सुरक्षा करना, जनता की जो अधिकार हैं, जो विकास की जरूरत है, उनको पूरा करना चुनी हुई सरकार का काम है। इंटरनेशनल रिएक्शन हुआ कि भाई आंग सान सू की को आप बाहर करिए। यूएन में मुद्दा उठा कि भाई म्यांमार जो है वो वहां पर वायलेंस बढ़ रही है, पॉवर्टी बढ़ रही है। इसके बाद यूएस ने कहा कि हम सैंक्शंस लगा रहे हैं म्यांमार के खिलाफ, क्योंकि म्यांमार की जो आर्मी है वो एक रूल ऑफ टेरर कर रही है। चाइना ने अब वहां पर जैसी बात उठी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि हम म्यांमार के खिलाफ ये ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हैं कि म्यांमार में ये वायलेंस बढ़ रही है, पॉवर्टी बढ़ रही है, तो ऐसे में एक्शन होना चाहिए। तो चाइना ने कहा कि नहीं, हम म्यांमार के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे। आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि चाइना और जो म्यांमार की जो आर्मी है, जुंटा गवर्नमेंट है, उसके क्लोज लिंक्स हैं। और ऐसे में उनको लगता है चाइना को कि देखिए, अगर साउथ चाइना सी में मेरा घिराव होगा तो मुझे आउटलेट चाहिए इंडियन ओशन में। वो आउटलेट मुझे दो जगह से मिल सकता है, एक तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू, ग्वादर के थ्रू, ग्वादर पोर्ट पे इन्वेस्टमेंट है ही, और दूसरा है म्यांमार के थ्रू बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, इसी वजह से वो क्यूप्यूप में इन्वेस्ट कर रहे हैं और चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यानी कि इंडियन ओशन में चाइना के दो अल्टरनेटिव रूट वेस्टर्न साइड से, सीपैक और सीमैक, क्लियर है बात? तो इस वजह से उनको लग रहा है कि इनका सपोर्ट जरूरी है। इंडिया की क्या डिमांड है? इंडिया का कहना है कि एक तो डेमोक्रेसी आनी चाहिए, रिलीज होना चाहिए जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, तीसरा डायलॉग स्टैब्लिश होना चाहिए। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि सही से इलेक्शन नहीं हुआ तो डायलॉग स्टैब्लिश करो और इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स लाइए, और जो वायलेंस है उसको तो कंप्लीटली सीज कर दीजिए। अब रिसेंट सिनेरियो क्या चल रहा है? इंडिया आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट में हमने नहीं बुलाया। कारण क्या है? हमने कहा कि देखिए, नॉन मिलिट्री एंड नॉन पॉलिटिकल मेंबर्स इसका पार्ट बनेंगे, यानी कि जो क्लब है ये ओपन है डेमोक्रेसीज के लिए। मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स का यहां पर एंट्री नहीं है, ये एंट्री बैन है। अब इंडिया सपोर्टिंग आसियान इनिशिएटिव, 5-point कंसेंसस जिसके बारे में मैंने बात की थी वो क्या है? अब आप कंपैरिजन देखिएगा कि इंडिया का जो रुख है म्यांमार को लेकर, जो आपको अभी बताया, दीज वन, राइट? और जो 5-point कंसेंसस जो जकार्ता समिट से निकला था उसमें कॉमन देखिएगा, वायलेंस एंड होनी चाहिए, तो इंडिया का रुख है। डायलॉग होना चाहिए, इंडिया का भी रुख है। आसियान एनवॉय होना चाहिए, आसियान ने कहा कि हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो म्यांमार में जाएगा और चेक करेगा कि हाँ, यहाँ पर वायलेंस एब्जॉल्व हो रही है और नॉर्मलाइजेशन हो रहा है और धीरे धीरे दोबारा सिविलियन गवर्नमेंट को मजबूत किया जा रहा है। साथ में आसियान ने कहा कि हम मिलकर जो है म्यांमार को रिकंस्ट्रक्ट करने में, काफ़ी नुकसान हुआ है, कई जगह पर पॉवर्टी फैली है, तो इस वजह से हम पैसा भी देंगे। तो ये है 5-point कंसेंसस, ध्यान रखिएगा। अब लेकिन क्या ये सक्सेसफुल हो पाया? नहीं, ये एक फेल रहा है एज ऑफ नाउ, क्योंकि मिलिट्री अपना कंट्रोल ईज नहीं कर रही। अब जो अभी हम कर रहे हैं म्यांमार के साथ, तो अभी म्यांमार की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, एक तो लैंड प्लस मैरिटाइम बॉर्डर है, तो इस वजह से कहा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग लैंड मैरिटाइम बॉर्डर है, नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए म्यांमार की गवर्नमेंट, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे वो सिविलियन हो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और पास्ट में तो जो म्यांमार की आर्मी है उसके साथ हमने ज्वाइंट ऑपरेशंस किए हैं, राइट, अपनी नॉर्थ ईस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस वजह से इंडिया क्लियरली जो म्यांमार की गवर्नमेंट है, आर्मी है, उसके खिलाफ नहीं है। एंट्री टू साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में एंट्री करनी है, ये कहा जाता है कि आसियान का डोर है म्यांमार हमारे लिए, तो हम इसको दरकिनार नहीं कर सकते। डबल स्टैंडर्ड अब यहां पर कहे जाते हैं, क्यों? म्यांमार के खिलाफ अभी हम रुख रख रहे हैं, उसका एक कारण यह है कि भाई वहां पर मिलिट्री गवर्नमेंट है, लेकिन थाईलैंड में जो आर्मी चीफ थे उन्होंने उसके बाद डेमोक्रेसी का एक चेहरा लिया और उसके बाद वो वहां पर रूल कर रहे हैं, तो क्यों थाईलैंड के विरोध में नहीं है लोग? म्यांमार और थाईलैंड दोनों का एक पास रहा है मिलिट्री का पास, यानी कि वहां पर मिलिट्री का इंटरवेंशन सिविलियन गवर्नमेंट में रहा है, लेकिन फिर भी यूएस जो है थाईलैंड के साथ तो क्लोज कोऑपरेशन रखता है, लेकिन म्यांमार के खिलाफ जो स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेता है, इसका कारण क्या है? एक दो रीजंस बताए जाते हैं, शायद इसका एक रीजन ये हो सकता है कि जो थाईलैंड है वो इलेक्ट्रॉनिक का हब है, राइट, चिप मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ऐसे में यूएस को लगता है कि इंपॉर्टेंट मार्केट है। दूसरा, म्यांमार जो है वो क्लोज लिंक बना रहा है चाइना से, और वो उसकी जियोपॉलिटिक्स ऐसी है कि वो चाइना के साथ क्लोज लिंक रखेगा क्योंकि उसे इन्वेस्टमेंट चाहिए, चाइना इन्वेस्टमेंट करेगा ही करेगा, उसको कनेक्टिविटी के थ्रू, उसको बे ऑफ बंगाल में रूट चाहिए। तो ऐसे में म्यांमार चाइना का क्लोज लिंक जो यूएस के फेवर में नहीं है, इस वजह से म्यांमार के खिलाफ यूएस ज्यादा, यू कैन से, स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेता है। सस्पिशियस प्रमोशन ऑफ अब आपके दिमाग में एक और ख्याल आना चाहिए, अच्छा, यानी कि यूएस जो है वो डेमोक्रेसी के फेवर में रहता है,
यानी कि लोकतंत्र की स्थापना करनी हो तो वहाँ पर वो पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पर एक पैराडॉक्स ये है कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए वो सपोर्ट किसका ले रहा है? सपोर्ट ऐसे देशों को ले रहा है जो जहाँ खुद ही अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स हैं, जैसे ये क्या बात हुई, क्यों? ब्रुनेई देखिए, एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की है वहाँ पर, तो वहाँ उसका सपोर्ट ले रहा है। वियतनाम, लाओस, वहाँ पर कम्युनिस्ट रूल है। सिंगापुर, वहाँ पर एक ही पार्टी है आज़ादी के बाद से। कंबोडिया, यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है वो सारी की सारी पार्लियामेंट्री सीट रखती है। तो यानी कि यहाँ पर भी तो क्लियर डेमोक्रेसी नहीं है ना, वेस्टर्न मॉडल वाली। ऑन गुड बैड टेररिज्म, इसका भी बड़ा प्रचलन हो गया है। तो ऐसे में इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन जाता है। कारण, पाकिस्तान की बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान जो है मेजर नॉन नेटो एलाय है यूएस का, जबकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो हार्बर करती रही है टेररिस्ट को। खुद इमरान खान ने इस स्टेटमेंट को माना था कि पास्ट में ऐसा होता रहा है। तो इससे होता क्या है कि इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा बनता है। अगर कोई चीज़ गलत है तो वो क्लियरली गलत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गलत चीज़ को आप अपने फायदे के लिए इस समय इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वजह से आप कह रहे हैं कि नहीं ये सही है और वो वाली चीज़ गलत है। तो ये गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट, गुड टेररिस्ट केवल इस वजह से कि ये हथियार और वायलेंस का इस्तेमाल करेंगे केवल आपके बेनिफिट के लिए, तो इस वजह से गुड टेररिस्ट हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सैंक्शंस अफेक्टिंग नेबर्स, यूएस जो है वो सैंक्शंस लगा देता है म्यांमार के खिलाफ। वो ना तो बांग्लादेश से पूछता है ना इंडिया से पूछता है। आप कहेंगे यार इनसे क्यों पूछें, पूछना चाहिए। कारण, इंडिया और बांग्लादेश के साथ नॉर्मल रिलेशंस हैं, इंडिया के साथ तो क्लोज रिलेशंस हैं। तो ऐसे में अगर यहाँ पर सैंक्शंस लगते हैं, म्यांमार में फर्दर पॉवर्टी फैलती है, तो लोग एज अ रिफ्यूजी कहाँ मूव करेंगे? इंडिया में करेंगे, बांग्लादेश में करेंगे। तो यानी कि यूएस सैंक्शंस की वजह से इंपैक्ट इंडिया बांग्लादेश पर होगा कि नहीं होगा? जो तालिबान गवर्नमेंट अभी अफगानिस्तान में रूल करी है उसके खिलाफ सैंक्शंस को कम किया है, लेकिन म्यांमार के खिलाफ सैंक्शंस को बढ़ाया है। ये भी एक पैराडॉक्स है। यूएस जो प्रेशर है सैंक्शंस का, जो ईरान के लिए रहा था, जिसकी वजह से हमने ईरान के साथ थोड़ा बैकफुट पे आ गए थे, मींस हमने अपनी जो ऑयल की इंपोर्ट है वो ईरान से डिक्रीज कर दी थी, उसका फायदा किसको हुआ? यूएस को फायदा हुआ, राइट? जबकि ईरान हमें चीप और एक यू कैन से रेजिलेंट सप्लाई चेन मैनेज कर दे रहा था। तो अब यूएस की तो एनर्जी एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस फैसले का ऐसा ही फैसला रेप्लिकेट हो जाए म्यांमार के केस में? क्योंकि जब हमने ऐसा किया यूएस सैंक्शंस के बाद, तो देखिए हुआ क्या, चाइना के क्लोज हो गया ईरान। अब देखिए यहाँ पर ऑयल इंपोर्ट्स, देखिए चाइना बिगेस्ट इंपोर्टर है, तो यानी कि ईरान को पैसों की ज़रूरत है, ईरान को चाहिए कि उसका कोई ऑयल खरीदे, तो ऐसे में चाइना उसका ऑयल खरीद रहा है, तो क्लोज पार्टनर बन गया। साथ में हैवी डिस्काउंट पर चाइना को मिल रहा है, तो ये चाइना को फ़ायदा हो गया। साथ में सेक्टर सिक्योरिटी पार्टनर बन गया, इन्वेस्टर बन गया। और आपको पता है कि हमने छाबहार पोर्ट पर हैवी इन्वेस्ट किया ईरान में, हम सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करना चाहते हैं थ्रू दिस छाबहार पोर्ट, और वहाँ पर चाइना हमसे ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। और हमने ये फैसला इसलिए किया क्योंकि यूएस सैंक्शंस लगा रहा था, यूएस ऐसा चाहता था, तो कहीं ये डिप्लोमेटिक डिफीट ना हो जाए, इस पर भी क्वेश्चन उठ रहे हैं। नाउ जस्ट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, इंडिया का म्यांमार प्रोजेक्ट। म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया आर इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, तो आपके दिमाग में आना चाहिए यार ये बांग्लादेश यहाँ पर इन्वॉल्व है कि नहीं। द प्रोजेक्ट इज बींग पायलटेड एंड फंडेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आपके दिमाग में आना चाहिए एम ई ए फंड कर रहा है या ए आई आई बी ए डी बी, कौन फंड कर रहा है? ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर दीजिएगा कमेंट्स में। क्राइसिस इन म्यांमार हैज प्रूव टू बी अ टाइट डिप्लोमेटिक रोप, एग्जामिन इट्स इंपॉर्टेंस एंड इंडियाज अप्रोच टूवर्ड्स इट। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। स्टडी आई क्यू आई एस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।